हम जो भी चीज का निर्माण करते हैं उसे एक ना एक दिन खत्म होना ही होता है, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। जिस भी चीज का हम निर्माण करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा मकसद जरूर होता है, और जब वह मकसद पूरा हो जाता है तब वह निर्माण हमारी इस मॉडर्न दुनिया में किसी काम का नहीं रहता। हम आमतौर पर ऐसे पुराने निर्माणों को या तो तोड़ देते हैं या फिर उनसे ही नया निर्माण कर लेते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। वह पुरानी जगहें और चीजें कभी कभी वक्त के साथ पीछे छूट जाती हैं और देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें सिर्फ एक इंतजार रहता है कि कोई उन्हें आकर ढूंढे, और जब हम उन्हें ढूंढ निकालते हैं तो वह हमें वक्त से पीछे देखने का एक दरवाजा प्रदान करती हैं, जिसे देखकर हम अपने गुजरे हुए समय का एक अनुमान लगा लेते हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसी ही बेहद अद्भुत दुनिया की खंडहर जगहों के बारे में, लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन। लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन असली में खोए हुए नहीं है। हमें भली भांति पता है कि उनको कहां ढूंढना है। यह इंग्लैंड में है। यह गार्डन हेलिगन स्टेट के हैं, जो कि 18वीं शताब्दी से ट्रिमेन फैमिली की संपत्ति है। इस गार्डन में मिलने वाले अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स और स्कल्पचर्स भी किसी समय के हैं, यह किसी को नहीं पता। लेकिन ये पहले विश्व युद्ध के बाद कहीं खो गए थे, और जब 80 सालों के बाद लोग यहाँ इसे ढूंढकर इसे रिपेयर करने के लिए वापस आए तो उन्हें पता चला कि पूरे यूरोप प्रांत की सबसे आखिरी पाइनएप्पल पिट यहीं पर मौजूद थी और काम भी कर रही थी। यह पिट इतनी अनोखी थी कि अगर इसमें कोई भी पदार्थ डाले तो वह ऐसी खाद बना देती थी जिससे गर्म देशों में उगने वाले पेड़ पौधे भी इंग्लैंड की ठंडी जमीन पर यहाँ पर आराम से जीवित रह जाते थे। विदेशी पेड़ पौधों के अलावा यहाँ दो स्कल्पचर्स ऐसे भी हैं जिसके कारण इस गार्डन का नाम मड मेड और जायंट हेड नाम पड़ा था। इस गार्डन में एक झील भी है जिसमें एक प्राचीन काल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और इसके कारण यह झील कभी नहीं सूखती और इस गार्डन को हरा भरा रखती है। पूरी दुनिया में हम कहीं भी बुगाटी का नाम लें तो लोग इसको पैसों और लग्जरी लाइफ के साथ ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस कंपनी की सबसे पुरानी फैक्ट्री आज बिल्कुल इसके परे है। अपने जमाने की दुनिया की सबसे तेज कार EB110GT का निर्माण इन्हीं दीवारों के बीच में हुआ था, लेकिन इस प्लांट को सन 1990 के दशक में बंद कर दिया गया, और आज 30 सालों के बाद भी यह यहाँ पड़ा गलता जा रहा है। 3 दशक पहले कभी यहाँ पर भी मजदूरों की आवाजाही हुआ करती थी। गुजरे हुए जमाने के सबूत आज भी यहाँ पर सांस ले रहे हैं। कार को बनाने वाली आधी से ज्यादा मशीनें आज भी यहाँ पड़े पड़े जंग खा रही हैं। आज भी यहाँ पर टेबल पर अंदर ऑफिस की चाबियां और मशीनों को ऑपरेट करने वाली किताबें यूं ही पड़ी हैं। मानो कोई एक दिन वापस लौटकर यहाँ जरूर आएगा। यहाँ के टेलीफोन्स आज भी चालू हैं और मैगजीन भी यूं ही पड़ी हैं कि कोई उन्हें लंच में जैसे आकर पढ़ने वाला हो। बुगाटी ने यह तय किया था कि अब उनकी यह फैक्ट्री आउटडेटेड हो चुकी है, और इसीलिए उन्होंने काम करने की नई जगह और नई मशीनों की तरफ रुख कर लिया। लेकिन अगर हम पिक्चर्स पर ध्यान दें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने इस जगह को आज तक ढंग से खाली ही नहीं किया। अगर आपको कीव शहर के गैराज नंबर 7 के बारे में कुछ नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। यह एक ऐसी बिल्डिंग है, बिल्कुल ऐसी जिसकी कल्पना आप किसी उड़नतश्तरी या किसी ऐसे एलियन के जहाज के साथ कर सकते हैं, मानो कि यहाँ पर आकर क्रैश हो गया हो। तो आखिर यह बिल्डिंग है क्या? दरअसल यह अपने जमाने का सबसे बड़ा और पुराना बस स्टैंड था, जिसे सन
1973 में बनाया गया था, जहां हर दिन 500 से ज्यादा बसें आती जाती थीं। यह एक ऐसा असंभव काम था जिसके लिए बहुत सारे लोगों के मदद की जरूरत थी। कहते हैं उस जमाने में यहाँ 1500 लोग पूरे दिन काम किया करते थे। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बस स्टैंड कितना ज्यादा व्यस्त रहता होगा। एक रशियन आर्किटेक्ट जिसका नाम जिंक एवेक था, उसे इस बिल्डिंग के डिजाइन का काम सौंपा गया था, जिसे आज भी लोग सर्कस कहकर ही संबोधित करते हैं। ऐसा अद्भुत और विशाल स्ट्रक्चर यूएसएसआर के अलावा दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि यह कई दशकों से यूं ही खंडहर पड़ा है, लेकिन असल में यह साल 2015 तक इस्तेमाल में ही था। आज भी यहां पर बसों का पूरा बेड़ा मौजूद है, जिसे देखकर ऐसा शक होता है कि शायद यह अब जिंदगी में कभी नहीं चलेंगी। चारों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण एक टापू यानी ग्रेट ब्रिटेन अपनी कोस्टलाइन की सुरक्षा में कोई भी चांस नहीं ले सकता, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उसके ऊपर सारे देशों ने जब एक साथ मिलकर चारों ओर से हमला करने का निर्णय लिया था, तो तब ग्रेट ब्रिटेन ने अपने देश को बचाने के लिए अपने चारों तरफ समुद्र में किसी भी प्रकार की नावें और सबमरीन्स से बचने के लिए स्कॉटलैंड देश तक कंक्रीट से एक डिफेंस सिस्टम बनवाया था। इस डिफेंस सिस्टम के कारण कोई भी चीज पानी के रास्ते ब्रिटेन देश में नहीं घुस सकती थी, और इन्हीं कंक्रीट से बने स्ट्रक्चर्स में उन्होंने तोपें और बड़ी बड़ी गन्स भी रखने की जगहें बनाई थी, और तो और इसमें पानी के नीचे खुफिया बैरक भी बनाए गए थे। परंतु समय के साथ अब यह बैरक समुद्र की गहराइयों में खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर यह डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें इंजन रूम और एम्युनेशन स्टोर आज भी देखे जा सकते हैं। आज सदियां बीत जाने के बाद भी इनका यहाँ मौजूद होना यह सबूत है कि आखिर यह कितने ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत स्ट्रक्चर थे, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरे ब्रिटेन देश की रक्षा करी थी। फ्रांस देश में साल 1932 में एक ऐसा होटल बनकर तैयार हुआ था जो देखने में किसी समुद्री जहाज की तरह दिखता है। कहते हैं कि मशहूर और नामी आर्किटेक्ट लियोन बेल के द्वारा बनाई गई यह बिल्डिंग्स में से उन्हें यह सबसे ज्यादा पसंद थी। अफसोस, वह ज्यादा समय तक इसे देख ना पाए और मृत्यु को सिधार गए। अपने समय में यह होटल आलीशान जिंदगी का एक प्रतीक था, जिसमें उस समय के सबसे बड़े सिनेमा हॉल्स, हाई एंड रेस्टोरेंट और छत पर पूरा टेनिस कोर्ट भी बना हुआ था। लेकिन आज यह सिर्फ कंक्रीट का एक स्केलेटन बना हुआ पड़ा है, जो हर बीतते हुए दिन के साथ क्षतिग्रस्त ही होता जा रहा है। इस होटल को साल 1983 में स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान खाली करवाया गया था, और यह वह दिन था और आज का दिन है कि इसे फिर दोबारा कभी नहीं खोला गया। लेकिन विडंबना तो देखिए कि लड़ाई खत्म होने के बाद भी यहाँ की फ्रेंच सरकार ने इसे सुरक्षित हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया, जिसके कारण आज यहाँ ना ही कोई जा सकता है और ना ही इसकी मरम्मत करी जा सकती है। यानी अब यह सिर्फ गुजरते हुए वक्त के साथ बस अपने आप को खत्म होते हुए ही महसूस कर सकता है। अगर पेंसिल्वेनिया की बेथलहम स्ट्रीट प्लांट की जंग खाई गई दीवारें कुछ बोल पाती, तो शायद आज हमारे पास विश्व युद्ध के दौरान का सबसे अहम किस्सा सुनने को होता। सन 1873 में बना यह स्टील प्लांट वही स्टील प्लांट है जहां दुनिया के दो सबसे मशहूर स्ट्रक्चर्स गोल्डन गेट ब्रिज और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को बनाने के लिए स्टील का सारा उत्पादन हुआ था। और तो और 20वीं शताब्दी के दौरान विश्व युद्ध के लिए अमेरिकन मिलिट्री के सारे हथियार भी यहीं बनाए गए थे। यह स्टील प्लांट पूरी दुनिया में स्टील प्रोडक्शन का अपने जमाने का सबसे बड़ा कारखाना था।
जहां उस जमाने में मात्र एक साल में 19 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ था, जिससे स्टील जगत की दुनिया का सबसे बड़ा $2.5 बिलियन का मुनाफा हुआ था। और इसी चरम सीमा के बाद इसके अंत का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो अगले दशक में सिर्फ आधा रह गया और सन 1980 में विदेशी स्टीलों के आने से पूरा का पूरा ठप्प हो गया और आखिरकार साल 2001 में पूरी तरीके से दिवालिया हो जाने के बाद से यह आज तक यूं ही खाली पड़ा हुआ है। आप इस प्लांट में सिर्फ विशाल पाइप्स और बड़े बड़े टावर्स शांति से खड़े देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बॉलीवुड मूवीज के फैन हैं तो आप इस प्लांट से निकले हुए स्टील से बनाए हुए गोल्डन गेट ब्रिज को शाहरुख खान की मूवीज में जाकर देख चुके होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आपको ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय हमें जरूर दें। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।